मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाता हूँ। विस्कोसिटी से रिलेटेड एग्जांपल है ये, और ये वाला एग्जांपल एक्चुअली आपकी बुकलेट्स में गिवन नहीं है, तो आप ये देखेंगे ज़रा। इसके अंदर क्या है कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने एक डिस्क डाल दी जिसका रेडियस आर है और इसको हम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, और इस डिस्क के नीचे एक फ्लूइड पड़ा है जिसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द रेडियस आर। ठीक है, नाउ ये जो फ्लूइड है इसकी विस्कोसिटी नीटा है। नाउ वी हैव टू फाइंड द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द डिस्क विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। आप देखें यहाँ पर तो क्या होगा कि जब हम इसको रोटेट करेंगे ओमेगा से, तो इस ये जो फ्लूइड है ये एक विस्कस फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसका नीचे वाला जो पार्ट है ये स्टेशनरी है, तो एक विस्कस फोर्स आएगा उसकी वजह से ये इसको रोकने की कोशिश करेगा। बट हमको एक एक्सटर्नल टॉर्क देना पड़ेगा ताकि ये ओमेगा से रोटेट करता रहे। ओके, सबसे पहले मैं आपको प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ जो मैंने आपको नहीं बताया था। अगर ये है कि ऊपर कुछ वेलोसिटी है, ऊपर वाला सरफेस है हम मान लेते हैं, उसकी कुछ वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है और नीचे वाला स्टेशनरी है, तो जो आपका फ्लूइड होता है उसकी कुछ ऐसी प्रोफाइल बनती है, क्योंकि यहाँ पर तो वेलोसिटी अब जीरो है, ये वेलोसिटी की प्रोफाइल है। क्या होगा कि वेलोसिटी यहाँ पर तो जीरो है, फिर बढ़नी स्टार्ट होगी ड्यू टू इसकी वेलोसिटी की वजह से। ऊपर तो मैक्सिमम अपनी वेलोसिटी है, ये कितनी है आर ओमेगा की, ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आर ओमेगा का मैग्नीट्यूड है। ये फिर कम होनी स्टार्ट होगी कुछ इस तरीके से। ओके, अगर ये है कि इसकी जगह आपका होता कि ऊपर और नीचे वाले सर्फेसेस दोनों फिक्स होते बट फ्लूइड कुछ वी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, तो आपकी जो प्रोफाइल आती वो कुछ ऐसी आती, यानी यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो, बीच में मैक्सिमम, फिर यहाँ पे ज़ीरो। ओके, तो ये आप देखेंगे, ये तो आपकी प्रोफाइल हो गई। ये एक्चुअली आपका आता कैसे, आपको पता है कि एफ इज इक्वल्स टू माइनस नीटा ए डी वी बाय डी वाई। ठीक है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी यहाँ पे हम बढ़ाएंगे या वाई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वी की वेलोसिटी भी बढ़ती है अगर यहाँ पे कुछ फोर्स लग रही हो तो। अब क्या है कि ये जो आपकी डिस्क थी इसके मैंने किसी आर रेडियस पे डी आर थिकनेस की एक रिंग ले ली। ओके, अब इस डी आर थिकनेस के एक किसी पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर, इस छोटे से एलिमेंट पर, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आर इंटू ओमेगा। अब इस छोटे से डिस्क पर फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स हमने मान लिया डी एफ लग रहा है। ठीक है, डी एफ फोर्स लग रहा है आर, तो इसको हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टॉर्क आएगा। ये जो टॉर्क है एक्चुअली डी टाउ, ये पूरी रिंग की वजह से टॉर्क है, बट ये जो डी एफ है ये सिर्फ एक छोटे एलिमेंट के ऊपर डी एफ है, तो इसलिए मैंने इधर इंटीग्रल का साइन लगाया और इधर नहीं लगाया, क्योंकि ये डी टाउ पूरे एलिमेंट के लिए, पूरे रिंग के लिए, और डी एफ छोटे से एलिमेंट के लिए, रिंग के अंदर भी छोटे से एलिमेंट के लिए। तो रिंग के अंदर जो छोटा सा एलिमेंट आएगा उसकी वजह से फोर्स कितना लगेगा, माइनस नीटा डी वी बाय डी वाई इंटू डी ए, और डी ए की वैल्यू यहाँ पे डी वी बाय डी ए तो पूरी रिंग के लिए सेम होगी। ओके, नीटा सेम है, डी ए की वैल्यू पूरी रिंग के लिए कितनी होगी, 2 पाई आर इंटू डी आर, और डी वी बाय डी वाई की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारी प्रोफाइल तो कुछ ऐसी बननी थी बट क्योंकि ये जो एच है ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ आर, तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया हमारी जो प्रोफाइल है वो सिंपली लीनियर है, यानी जो प्रोफाइल है वो सिंपली ऐसी ही है। ओके, तो हमारी ये एजम्पशन थी, तो हम सीधा लिख सकते। तो अब इस केस के अंदर जो डी वी बाई डी वाई की वैल्यू होगी, हमने यहाँ पे हमको इक्वेशन में ये एजम्पशन दे रखी है कि गिवन है कि एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो हम क्या मान लेते हैं कि हमारी एक एजम्पशन मानते हैं यहाँ पर, उसके अंदर हम मानते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है तो मान लेते हैं ये ऑलमोस्ट लीनियर है, यानी कुछ ऐसी है, ना कि पैराबोलिक है, क्योंकि हाइट इतनी कम है तो हमको कुछ ऐसी ही लगेगी। अगर किसी भी कर्व का देखूं मैं, अगर मैं ऐसे कर्व बना रहा हूँ तो अगर मैं इतनी हाइट तक का देखूं तो मेरे को तो ये लीनियर ही लगेगी, तो हमने मान लिया ये लीनियर है। तो सिंपली डी वी बाय डी वाई की वैल्यू क्या हो गई, यानी डी वी डी वी ए बाय डी वाई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आर ओमेगा बाय एच, क्योंकि डी वी कितना है आर ओमेगा, यानी यहाँ पर तो वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पर आर ओमेगा है, और डी डी वाई कितना है हमारा, एच है,
तो डी वी अपॉन डी वाई, और ये लीनियर है तो उसके इसके अंदर ये वाला एंगल हो जाएगा, दिस थीटा एंगल विल टैन थीटा विल बी इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू आर ओमेगा अपॉन एच। ये हमारी सिंपली आ गई और हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी आ गई डी टाउ की वैल्यू, यानी इस पूरी रिंग के लिए टॉक की वैल्यू कितनी लगेगी, इतनी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ज़ीरो टू टाउ, यानी सेंटर पे तो टाउ जो टॉक लगेगा फिर भी ज़ीरो, तो उस रिक्वायर्ड कितना होगा ज़ीरो, और इसको करेंगे ज़ीरो से आर तक। तो यहाँ पे क्या आया, जो कांस्टेंट से वो बाहर आ गए, माइनस टू पाई नीटा ओमेगा अपॉन एच, इसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम ज़ीरो टू आर, आर क्यूब डी आर। तो इससे आपकी टॉक की वैल्यू आ गई ये। अब मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ जिसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स और एसएचएम दोनों साथ में लग रहे हों, यानी दोनों का यूज़ हो रहा हो। लेट अस सपोज ये एक हमारा कॉलम था, फ्लूइड कॉलम, जो एक साइड से तो थीटा वन एंगल बना रहा था, दूसरे से थीटा टू, और इसके अंदर कुछ लिक्विड पड़ा हुआ है और इस लिक्विड को हमने थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस कर दिया। तो अब ये क्या होगा, ये जो फ्लूइड कॉलम हमारा, ये एसएचएम करेगा। एसएचएम क्यों करेगा, क्योंकि जब ये ऊपर चला जाता है और ये वाला कॉलम फिर नीचे आ जाएगा, अपनी ये हमारी लेवल था, ये बेसिक लेवल था, इससे नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया। अब इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आ गया इस पॉइंट और इस पॉइंट में, यहाँ पे लेवल सेम नहीं है। तो क्या करेगा, ये जो इस लेवल के ऊपर, यानी जो लोअर लेवल के ऊपर जो हाइट है, इन दोनों लेवल्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस है, और इधर काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये बाकी कॉलम के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये जो फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने मास की वजह से, या जो मर्जी कह लीजिए प्रेशर डिफरेंस की वजह से, वो हमारी रीस्टोरिंग फोर्स होगी। ओके, दिस विल बी द रीस्टोरिंग फोर्स। और फिर क्या होगा, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा या इससे भी नीचे पहुँच जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये फिर इस तरीके से एसएचएम करता रहेगा। तो अब हम फोर्स देखें, तो फोर्स क्या होगी, माइनस डेल्टा पी ए इंटू ए, और डेल्टा पी कितना होगा, एच वन प्लस एच टू। एच क्या है, ये वर्टिकल हाइट एच वन, और ये वर्टिकल हाइट एच टू। ओके, नाउ अब जितना ये एक्स इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर इसका एरिया सेम है इस ट्यूब का और इस ट्यूब का, तो जितना एक्स डायरेक्शन में ऊपर जाएगा उतना इस डायरेक्शन में नीचे आएगा। तो आएगा एच वन प्लस एच टू इंटू रो जी इंटू ए, दैट विल बी रिस्टोरिंग फोर्स। और एच वन प्लस एच टू कितना होगा, एच वन, अगर ये अगर हम देखें, ये हमारा एक्स है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर आपका एक्स वन है और ये एच वन है, और ये हमको गिवन है ये थीटा टू है, ये हमारा ट्राइंगल बनेगा। तो आपका क्या आएगा, साइन थीटा वन थीटा टू, सॉरी यहाँ पे थीटा वन, ये अगर टू है ये टू है, तो साइन थीटा टू इज इक्वल्स टू एच टू अपॉन एक्स टू, ये अगर हम एच टू ले और ये एच वन ले। ओके, जस्ट क्योंकि यहाँ पर थीटा टू है तो हमने यहाँ पे भी एच टू ले लिया इसके रिलेशन में। तो ये हमारा अगर एक्स है तो यह एक्स आ गया, तो x की वैल्यू आ गई, h2 की वैल्यू आ गई आपकी x sin थीटा 2। सिमिलरली h1 की वैल्यू आएगी आपकी, अगर आप इस ट्राइंगल के अंदर देखेंगे तो आएगी h1 इज इक्वल्स टू x sin थीटा 1। ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं, तो आपका फोर्स क्या होगा, फोर्स F विल बी इक्वल्स टू m into a, और a आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x आ गया। तो इससे रिलेशन करने में, रिलेट करने में ओमेगा स्क्वायर की आपकी वैल्यू आ गई ये, उससे आपको टाइम पीरियड पता चल गया सिंपली ये। अब आपका टाइम पीरियड आ गया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम अपॉन रो जी ए इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ये तो क्या था, ये वो केस था तब जब ये थीटा वन और थीटा टू था। अब अगर आपको क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मॉडिफाई करके दिया हो, या आपको ऐसी एक ट्यूब दी हो, कैपिलरी ट्यूब, जो भी आप YouTube, सॉरी नॉट कैपिलरी ट्यूब, YouTube, और इसके अंदर ऐसे एचएम फाइंड आउट करना हो, तो इसके इसके लिए क्या होगा, थीटा वन विल बी इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और अगर इतना डिफरेंस है, ये हमारा L होगा, ठीक है, एंड थीटा वन एंड इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू, ये डालेंगे, मास कितना होगा, मास M विल बी इक्वल्स टू, अगर इसकी टोटल हाइट L है, ये मान लीजिए ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है, और इसकी टोटल हाइट L है,
और जब हम इसको पुश करते हैं तो फाइनली इसको जीरो लेवल पे ला देते हैं। तो SHM उस हिसाब से अगर देखें तो मास की कितनी वैल्यू होगी, ट्वाइस एल इंटू रो इंटू जी इंटू ए। अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, ठीक है, यही वैल्यू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, इसकी टोटल वैल्यू टू हो जाएगी, टू से टू ये कैंसिल हो जाएगा, रो जी ए कैंसिल हो जाएगा, सीधा जो आपको वैल्यू आएगी ये रो जी नहीं होगा, रो इंटू ए होगा, सीधा जो आपकी वैल्यू आ जाएगी यू ट्यूब के लिए 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल वाई जी आ जाएगी। आप ये डाल के देखेंगे और ये कैलकुलेट करके देखेंगे कि आपका ये आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आपने देखा कि इवन जो यूट्यूब है वो भी SHM की जो बिल्कुल बेसिक जो हमारी सिंपल पेंडुलम वाला टाइम पीरियड आता है वही आता है। सो आपने देखा कि इवन फ्लूइड कॉलम्स के अंदर अगर हम SHM वाली इक्वेशन लगाएं तो आप आसानी से सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस के अंदर जितने भी केसेस होंगे सिर्फ आपको रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि पहले तो आप मीन फाइंड आउट करें आपका जो मतलब मीन वैल्यू कहाँ पर होगी और फिर उससे रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो आपकी सीधा टाइम पीरियड की इक्वेशन आ जाएगी। तो SHM कोई ज़्यादा टफ आपका चैप्टर नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। उसके अंदर से जो भी क्वेश्चन आए वो आपका पूरा पूरा अटैम्प्ट होना चाहिए और अच्छे से उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं होना चाहिए। अगर आप उसके अंदर मिस करेंगे तो आप काफ़ी लॉस में जाएंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर क्या एक रॉड है जो कि इसके इस कंटेनर के एंड से यहाँ पर कहीं से हिंज्ड है और इसके अंदर हमने वाटर लेवल फिल कर दिया। इस रॉड की टोटल लेंथ कितनी है, 3 meters एंड द हाइट अप टू विच द वाटर इज फिल्ड इज 1.6 meters। नाउ द वेट दैट इज एम इनटू जी ऑफ द रॉड इज गिवन एज 25 newtons। वी हैव टू फाइंड द एंगल, मतलब किस एंगल पे ये जो हमारी रॉड है ये इक्विलिब्रियम में होगी। द एरिया ऑफ द रॉड इज गिवन, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, दिस लिक्विड इज गिवन, जी इज गिवन। वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एट दिस पॉइंट। ओके, सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो हम मानते हैं रॉड है पूरी जो है उसका जो सेंटर है यानी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, जी पर है यानी एल बाई टू डिस्टेंस पे इसकी लेंथ के हाफ पर। और क्योंकि ये एसी तक फील्ड है यानी इतनी रॉड इसके अंदर डिप्ड है तो इसका सेंटर ऑफ बायंसी कहाँ पर होगा, बायंसी किस फोर्स पे लग रही होगी, इसके हाफ पॉइंट पे यानी इसके सेंटर पे, एसी के सेंटर पे, दैट इज ई पॉइंट। इसको हमने ई पॉइंट से डिनोट कर दिया। ओके, नाउ हमको अल्फा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एसी है, एसी की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 कॉसेक अल्फा। क्योंकि अगर एसी की आपको डायग्राम बना के दिखाऊँ डायग्राम में, तो अगर ये अल्फा है ये 1.6 है। ओके, ये 1.6 है और अगर ये एसी है, ये हमारा एसी है, तो ये लेंथ कितनी होगी, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन एसी। तो एसी विल बी इक्वल्स टू 1.6 कॉसेक अल्फा। ओके, अब वॉल्यूम आ जाएगा आपको क्योंकि एरिया गिवन है, तो आप इस एसी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम ऑफ एसी एंड वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस आ जाएगा आपका ऑफ द रॉड डिस्प्लेस बाय द रॉड, दैट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। ओके, वॉल्यूम हमारा एसी का इतना आया था, इतना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस करा है। नाउ वेट उसका कितना होगा, इंटू रो इंटू जी, 1.6 ऊपर वाला, 1.6 इंटू टेन माइनस फोर इंटू 9.5, रो क्या हो गया 10 3 एंड जी इज 9.8। तो इससे आपकी वैल्यू आ गई, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इज 14.896 कॉसेक अल्फा। तो इसका मतलब इतनी फोर्स यानी ये हमारी क्या हो गई, फोर्स ऑफ बायंसी। ये मैंने आपको बताया था फोर्स ऑफ बायंसी क्या होती है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। नाउ व्हाट विल डू इज विल बैलेंस द टॉर्क, क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ओके, तो ये इसका नेट टॉर्क अबाउट ए जीरो होना चाहिए, इसकी कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, तो अबाउट हो हम टॉर्क कंजर्व करते हैं। तो एफ बी फ्री बॉडी डायग्राम में अगर देखें, एफ बी इंटू दिस लेंथ, अगर एफ बी है इंटू दिस लेंथ, ओके, दैट शुड बी इक्वल्स टू वेट, इसका टॉर्क एफ बी का ओ के अबाउट, ए के अबाउट कितना हो रहा होगा, ये और ये, मतलब आर क्रॉस एफ होता है, आर इस डिस्टेंस में, एफ ऊपर की डायरेक्शन में, यानी टॉर्क बाहर की तरफ। वेट का टॉर्क कितना हो रहा होगा, आर इस डायरेक्शन के अंदर, एफ नीचे की डायरेक्शन में, तो टॉर्क अंदर। तो यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए और वेट आपको गिवन है 25 न्यूटन है इनटू एजी कॉस अल्फा, एजी, ओके, जैसे ये आपका एजी हो गया, आप डायग्राम बना के देखेंगे, ये एजी है,
ये अल्फा है, तो हमको ये वाली वैल्यू बतानी है, ये हमारा आर है, तो ये क्या होगा, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू आर अपॉन ए जी, एंड ए जी विल बी इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा। सिमिलरली यहाँ से आएगा ए ई कॉस अल्फा, ये जो आपका डिस्टेंस होगा ये आप निकाल के देखेंगे तो आपका ए ई कॉस अल्फा आएगा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा आपका कैंसिल हो जाएगा, ए जी की वैल्यू आप डाल देंगे, ए जी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 3 दे रखी है तो ए जी विल बी इक्वल्स टू 1.5, और ए ई की वैल्यू आप यहाँ से डालेंगे ए सी बाय 2 यानी 1.6 कोसेक अल्फा बाय 2, दिस इज ए ई कोसेक अल्फा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कोसेक अल्फा स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो इसको उधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 0.32, ये आप कैलकुलेट करके देखेंगे और इससे आपका अल्फा आ जाता है 34.3 डिग्री। ओके, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। अब आपको यहाँ पर ये नहीं पता कि नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन किस साइड है। अब अगर आप रॉड को एनालाइज करें तो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये हिंज है तो हमको नहीं पता नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। बट अगर मैं डायग्राम देखूँ तो यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस है, तो इसका मतलब वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन कुछ लग रहा होगा। अब उसकी भी डायरेक्शन नहीं पता कि ये अपवर्ड्स लग रहा होगा या डाउनवर्ड्स लग रहा होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये डाउनवर्ड्स लग रहा है, ठीक है, एन मान लो आप कुछ भी, ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम से, एन प्लस डब्ल्यू शुड बी इक्वल्स टू एफ बी, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस। ओके, इससे आपकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई, आपको सारी वैल्यूज पता है, वेट पता है 25 न्यूटन है, एफ बी की वैल्यू आपने निकाली थी, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आप वही वाले डाल देंगे जो आपने जस्ट कैलकुलेट करी है, तो आपकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी 1.6 न्यूटन। अब आपने देखा कि ये जो वैल्यू आई आपकी ये पॉजिटिव आई और हमने नीचे की डायरेक्शन में इसको माना था, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा हिंज पर नीचे की डायरेक्शन के अंदर। अगर हमारा आंसर यहाँ पर नेगेटिव आता तो इससे हमारा क्या आता कि नॉर्मल रिएक्शन हमारा ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप ये सिंपली साइड में लिखेंगे भी जरूर, जहाँ पे भी लिखा होगा आप, जैसे जब भी क्वेश्चन में, वैसे तो आपके अब सब्जेक्टिव नहीं आते तो आपको ऑब्जेक्टिव बताना होगा, तो आप सिंपली डायरेक्शन लिखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल कराता हूँ, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको एक और नया कंसेप्ट बताना है विच इज़ कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स कैसे लगती है, ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स। ओके, अब ये बताता हूँ ये कैसे आती है एग्जाम्पल के थ्रू। पहले आप एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर क्या है कि एक हमारा कंटेनर पड़ा है एक ट्रॉली के ऊपर, और यहाँ से हमने एक स्ट्रिंग बांध दी दीवार से, ठीक है, और अब इसके इस साइड पे हमने एक होल कर दिया और यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है वी वेलोसिटी से, वेयर वी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gy। ओके, हमको डायमीटर दे रखा है इस पूरे, ये सिलेंड्रिकल हमारा कंटेनर है, उसका डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है, डी दे रखा है 10 mm यानी छोटा वाला। अब हमको टेंशन पूछी है, टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग व्हेन वाई इज इक्वल्स टू 0.8। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे टेंशन डेवलप क्यों होगा। ओके, अगर आप देखें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नहीं थ्रस्ट फोर्स क्या होती है। अब क्या है कि क्योंकि यहाँ से पानी निकलता है, उस वजह से ये जो पानी निकलता है कुछ वेलोसिटी से निकलता है, उस वजह से ये कुछ फोर्स इस पर आगे के डायरेक्शन में लगती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे लगती है। लेट अस अज्यूम कि ये हमारा कंटेनर है और इसके अंदर वी वेलोसिटी से पानी निकल रहा है। अब हम मान लेते हैं कुछ डीएम मास का पानी बाहर निकलता है, उसकी पहले वेलोसिटी कितनी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर 0, लेकिन यहाँ पर आते उसकी वेलोसिटी वी हो गई। इसका मतलब देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इस डीएम मास के लिए चेंज इन मोमेंटम कितना है डीपी, दिस इज इक्वल्स टू डीएम इंटू वी माइनस 0। ओके, तो इतना हमारा चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब फोर्स क्या होती है डीपी बाय डीटी, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, अगर यहाँ पे हमारी फोर्स 0 होनी होती इसके निकलने की वजह से, तो डी पी बाई डी टी शुड हैव बीन 0, लेकिन हमारी वैल्यू क्या आती है डी एम बाई डी टी, इसको अगर इंटीग्रेट करें तो कितना आएगा इंटू वी प्लस डी एम इंटू डी वी बाई डी टी, ये तो आपको डिफ्रेंशिएशन से पता है। तो डी एम बाई डी टी की वैल्यू क्या है इसके लिए, डी एम कितना होगा, डी एम मास कितना होगा रो dm by dt, यानी कितना पर यूनिट टाइम मास यहाँ से निकल रहा है वो कितना होगा रो स्मॉल a इंटू वी, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर यहाँ से मास फ्लो रेट कितना है यानी वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है
रो ए इंटू वी, सॉरी नॉट वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू रो इज द मास फ्लो रेट, यानी डी एम बाई, सॉरी यहाँ पे आएगा डी टी, हमारा जो मास फ्लो रेट है उसकी वैल्यू कितनी है, रो ए इंटू वी। अब इसके अंदर जो सेकेंड टर्म है डी वी बाई डी टी, उसके अंदर क्या है, वी की वेलोसिटी ये है, तो अगर आप इसको डी वी बाई डी टी करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, इसको मिटा देता हूँ, सॉरी इसको मिटा देता हूँ। अगर आप इसकी वैल्यू देखें, वी हमारी रूट ऑफ टू जी वाई है, अगर आप इसको डी वी बाई डी टी करेंगे तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी, रूट ऑफ टू जी तो कॉमन है और वन अपॉइंट टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई इन टू डी वाई बाई डी टी। ओके, अब ये तो आपकी टर्म आई, इसके अंदर डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, जितनी वेलोसिटी से ये नीचे जा रहा है, लेट अस सपोज ये वी वन से वेलोसिटी नीचे जा रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी इक्वेशन बताई थी एक, इसके अंदर ए वी वन, अगर ये ए वी है इज इक्वल्स टू ए वी वन, अब आप देखें तो वी वन की वैल्यू जो आएगी वो काफ़ी कम आएगी, क्यों, क्योंकि ए जो है एज कम्पेयर टू कैपिटल ए ये बहुत कम है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं डायमीटर्स में कितना डिफरेंस है, ये 0.6 मीटर है और ये 10 मिलीमीटर है, तो आप देखिए कि इनका अगर इनका क्योंकि ऊपर से स्क्वायर होएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये जो ए की वैल्यू है ये बहुत कम आती है एज कम्पेयर टू ए, इसलिए वी वन की वैल्यू बहुत कम आती है, बहुत ही ज़्यादा कम, इतनी कम कि हम डी वी बाई डी टी की टर्म को निग्लेक्ट कर देते हैं या नीरली इक्वल्स टू जीरो ले लेते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको जीरो मान ली तो हमारी ये वाली टर्म हट गई, फाइनली हमारी फोर्स एफ कितनी बची, दिस इज इक्वल्स टू डी एम बाई डी टी इंटू वी। ओके, नाउ डी एम बाई डी टी की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी, रो ए इंटू वी, इसका स्क्वायर करेंगे सो दिस वैल्यू, यानी एफ इज इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर, इतना थ्रस्ट ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें कोई भी आप पाइप देखते हैं, आपके पास अगर कोई पाइप है और उसके अंदर काफ़ी वेलोसिटी से फ्लूइड निकल रहा है तो आपके ऊपर एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है, आपने कई बार देखा होगा, वो क्यों लगता है, क्योंकि जब ये आगे जाता है तो इसका मोमेंटम चेंज होता है, अब इसको मोमेंटम चेंज प्रोवाइड करने से क्या होता है, इसके ऊपर एक बैक फोर्स लगेगी, तभी बैलेंस हो पाएगा, तभी कुछ हो पाएगा, तो ये जो बैक फोर्स आती है ये हमारी थ्रस्ट फोर्स आती है, और जब ये बैक फोर्स आएगी उसकी वजह से यहाँ पे एक टेंशन डेवलप होगा, वो टेंशन कितना होगा, थ्रस्ट फोर्स के इक्वल होगा, यानी रो ए वी स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, नाउ द टेंशन विल बी इक्वल्स टू रो ए इनटू वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू आपको पता है 2gy है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gy, इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे ए की वैल्यू डालेंगे पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ओके, टेंशन की वैल्यू आपको आ जाएगी एट वाई इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर। अब आपके क्वेश्चन में गिवन है कि टेंशन और वाई का कर्व प्लॉट करना है, ठीक है, यानी ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि कैसा कर्व बनेगा, टेंशन की वैल्यू आपकी आई 2g रो ए इंटू वाई, ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, 2g रो ए क्या कांस्टेंट नहीं है, वाई, तो टी जो है वाई के साथ लीनियरली वैली कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे वाई की वैल्यू, क्योंकि पानी निकल रहा है तो वाई की वैल्यू कम हो रही है, उसी तरह टी की वैल्यू भी कम हो रही है, और वो कैसे कम हो रही है, लीनियरली, यानी इसी स्लोप में, तो अगर हम कर्व प्लॉट करें तो एक लीनियर कर्व आएगा और उसके एक अगर पॉइंट को ज्वाइन करें तो उस पर क्या आएगा 1.23 न्यूटन, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट करा एट y इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर, तो आप ये कर्व प्लॉट कर सकते हैं।